तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने तो टेम्प्रेरी डिलीट कर दिया लेकिन परमानेंटली डिलीट हुआ नहीं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारा अपडेट आता रहता है। इंस्टाग्राम भी बहुत सारा अपडेट लेकर आता है, अभी मेटा वर्जन आ गया है। इसीलिए आपको अगर परमानेंटली डिलीट करना है इंस्टाग्राम अकाउंट तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए मैं पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको शो करूँगा कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है। ठीक है, ये जो मेरा अकाउंट है नीचे में देख सकते हैं फोटो, उस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपका अकाउंट में देखिए ऐसे करके प्रोफाइल आपका खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थ्री डॉट जो है ऊपर में, थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए मैं आपको, अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, स्किप मत करिए। ठीक है, थ्री डॉट पर आप क्लिक करिए अपने अकाउंट पे। उसके बाद एक ऊपर में बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको किस पर जाना है? सबसे पहले आपको जाना है, देखिए सेटिंग्स एंड प्राइवेसी ऊपर में लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। ठीक है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे में आएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं कहाँ पे जाऊँ। आपको सबसे पहले, अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना है तो सबसे पहले आप नीचे में चले जाइए। ठीक है, नीचे में एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं हेल्प करके एक ऑप्शन है, हेल्प, देखिए हेल्प, उसके बाद अकाउंट स्टेटस, अबाउट। तो नीचे में जो एक ऑप्शन है मोर इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट, यहाँ पर हेल्प वाले सेंटर पर आपको क्लिक करना है, हेल्प ऑप्शन पर। हेल्प वाले ऑप्शन पर आप जब भी क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन आपको किस ऑप्शन पर क्लिक करना है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन है मैनेजिंग योर अकाउंट। ठीक है, रिमूविंग, देखिए कस्टमाइजिंग योर एक्सपीरियंस, रिपोर्टिंग कंटेंट यू डोंट लाइक। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन है, कुछ भी आप कर सकते हैं, रिमूविंग फॉलोअर्स, ब्लॉकिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अकाउंट प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है, अकाउंट प्राइवेसी। तो हाँ, अकाउंट प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर क्लिक करें। ठीक है, तो वो आपको समझना होगा कि किस पर हम क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो देखिए अकाउंट प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद देखिए हेल्प सेंटर, उसके बगल में सर्च वाला ऑप्शन है, उसके बगल में देखिए थ्री डॉट है, थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर, थ्री लाइन जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परमानेंटली अकाउंट डिलीट नहीं होता है, आपको धैर्य रखना है, आपको देखते रहना है मेरा जो स्टेप है, ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट जो पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ नीचे में देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, इंस्टाग्राम फीचर्स, मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर अकाउंट, स्टेइंग सेफ। तो इस पर जो मैनेज योर अकाउंट जो है ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, मैनेज योर अकाउंट, मैनेज वाला पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑप्शन, नीचे में आप थोड़ा देखेंगे, सबसे पहले ऊपर में देखिए साइनिंग अप एंड गेटिंग स्टार्टेड, एडजस्ट योर अकाउंट, नोटिफिकेशन सेटिंग, एडिंग अकाउंट, डिलीट योर अकाउंट, देखिए क्रॉस वाला ऑप्शन है, डिलीट योर अकाउंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाला सिलेक्ट करिए, डिलीट योर अकाउंट, उस पर क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तीन टॉप ऑप्शन है, एक है टेम्पररली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बाद एक्सेस एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्टाग्राम। तो तीन तो जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लिक कर देते हैं डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है टेम्पररली डीएक्टिवेट योर अकाउंट, तो इससे आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, तो इससे आपका अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो वाला क्लिक करने से आपका अकाउंट पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेम्पररली डीएक्टिवेट योर, मतलब ये टेम्पररली डिलीट होगा, पूरा परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। कहीं पर भी आप क्लिक करें नीचे में आ जाइए, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको परमानेंटली डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर है नहीं, बहुत सारा ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे इसको बैक करिए। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ पर गया था, ठीक है, अकाउंट प्राइवेसी पर जाने के बाद मैं थ्री डॉट पर क्लिक किया था ऊपर में, उसके बाद मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो तीन जो ऑप्शन थे जो आपने
क्लिक किया था बीच वाला ऑप्शन पर डिलीट, इस पर क्लिक नहीं करना है आपको, आपको ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है तभी आपका परमानेंटली डिलीट होगा। देखिए टेम्परली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम, पहले यहाँ पर क्लिक करिए उसके बाद डिलीट वाला ऑप्शन आएगा, पहले सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए टेम्परली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। देखिए मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे स्क्रॉल करिए इसको, देखिए स्क्रॉल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऊपर में, देखिए डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है नोट डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर में, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए नीचे में कहीं पर नहीं है तो ऊपर में ये वाला क्लिक करना है, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखिए आपको कहीं पर भी डिलीट योर अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो करना क्या है घबराइए मत। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है एंड्रॉयड ऐप हेल्प, इसी पर आपको क्लिक करना है, एंड्रॉयड ऐप हेल्प इस पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, मोबाइल ब्राउज़र वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, मोबाइल ब्राउज़र हेल्प, तो मोबाइल ब्राउज़र हेल्प वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। देखिए आईफोन है ना, आईफोन ऐप हेल्प, उसके नीचे में मोबाइल ब्राउज़र ऐप, मोबाइल ब्राउज़र हेल्प वाला ऑप्शन है, चार नंबर ऑप्शन, चार नंबर लाइन पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको नीचे करिए, देखिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए बोल्ड कलर में ब्लैक में लिखा है, टू रिक्वेस्ट द परमानेंट डिलीशन ऑफ योर अकाउंट फ्रॉम योर मोबाइल ब्राउज़र, उसके बाद एक नंबर ऑप्शन देखिए लिखा है गो टू द डिलीट योर अकाउंट पेज, यही वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यही वाला मेन ऑप्शन है आप, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो गो टू द डिलीट योर अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है, एक नंबर ऑप्शन देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है डिलीट योर अकाउंट, इस पर आप क्लिक करिए। मैंने क्लिक कर दिया, देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है मेरा अकाउंट, देखिए हाँ वाई डू यू वॉन्ट टू डिलीट सागर हरी 30, मतलब ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है सागर हरी 3030, तो ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि आप ये अकाउंट आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अकाउंट हम क्यों डिलीट करना चाहते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन होगा, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते, देखिए इसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रबल गेटिंग स्टार्टेड, टू बिजी, टू मेनी एड्स, प्राइवेसी कंसर्न्स, क्रिएटेड सेकेंड अकाउंट, या अगर आप दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं इसीलिए आप वो ये वाला पहला अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, या आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कांट फाइंड पीपल टू फॉलो या समथिंग या कुछ और, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, रीज़न मतलब क्यों आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि क्रिएट सेकेंड अकाउंट, मैं दूसरा अकाउंट खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ये वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है री एंटर योर पासवर्ड, मतलब यहाँ पे आपको पासवर्ड, मतलब जिस अकाउंट, मतलब जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोले थे तो आपके पास पासवर्ड दिए थे ना, तो इंस्टाग्राम का आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, तो वही वाला अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता है तो ये पासवर्ड यहाँ पर आप डालिए ये वाला ऑप्शन पर। पासवर्ड अगर फुल कर दिए, कर देने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट, नीचे में पासवर्ड आप दे दीजिए अपना, मैं अभी डिलीट नहीं करना चाहता हूँ इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपका पासवर्ड यहाँ पे देखे इंस्टाग्राम वाला पासवर्ड देखे और नीचे डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट, आप बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा लॉगिन हो जा रहा है पासवर्ड मतलब देने के बाद इंस्टाग्राम मेरा डिलीट नहीं हुआ, इसका कारण ये है कि आप वेट नहीं करते। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी हिडन अंटिल डिसम्बर 4, मतलब यूर इफ़ यू कंटिन्यू योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी डिलीट ऑन डिसम्बर 4, मतलब कम से कम एक महीना टाइम लगता है अकाउंट डिलीट होने में, ठीक है। तो अगर आप अभी जब ये पासवर्ड दे के जब यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट है एक महीना बाद ये परमानेंटली आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसका कंडीशन यही है कि आप लॉगिन मत करिएगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप अपने अकाउंट पर कभी भी लॉगिन मत करिए, एक महीने तक कभी भी लॉगिन मत करिए, क्योंकि एक महीने के अंदर अगर आप लॉगिन कर लिए तो वो डिसेबल हो जाएगा, मतलब वो अकाउंट डिलीट नहीं होगा आपका इंस्टाग्राम। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पासवर्ड देकर डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए और एक महीने तक वेट करिए, एक महीने मतलब यहाँ देखिए लिखा हुआ डेट 4 दिसंबर, मतलब अभी मैं अगर क्लिक करता हूँ डिलीट वाला ऑप्शन पर तो ये 4 दिसंबर के बाद ये मेरा अकाउंट पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वेट करना है, ठीक है, एक महीने के अंदर आप लॉगिंग मत करिए अपना अकाउंट पर इंस्टाग्राम पर। अगर आप लॉगिंग करेंगे तो आपको फिर से डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर से प्रोसेस करना होगा, लेकिन अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एक महीने इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप डालिए और डिलीट वाला ऑप्शन पर नीचे में क्लिक करिए तो आपका ये जो भी अकाउंट है इंस्टाग्राम वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डिलीट कर देने के बाद आपको एक महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला मतलब जो भी हम प्रोसेस बता रहे हैं यही मेन प्रोसेस है। तो इसी तरीके से आप अपना परमानेंटली अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, मैं बनाऊँगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मैं बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।